हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके फॉर एग्ज़ाम। आज हम बात करेंगे लीवर एंड सिंपल मशीन के बारे में। कुछ क्वेश्चन उसके देखेंगे और थोड़ी सी थ्योरी टाइप का देख लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है सेकंड स्टेज के एग्ज़ाम के लिए, जो कि रेलवे ALP टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में आएंगे, जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का टॉपिक है उसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं, हम कुछ देख लेते हैं, उसके बाद अच्छे से आप बना दोगे जो ऑप्शन ऑब्जेक्टिव है ना। तो स्टार्ट करते हैं। लीवर, ए लीवर इज़ अ सॉलिड बार डेट रोटेट्स और टर्न अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट। जैसे कि ये हुआ, ये होगा लीवर, ये सॉलिड, ये होगा लीवर, ये इसके सपोर्ट में ये होगा फलक्रम, इसको मान लो एफ से डिनोट कर रहा है, ये होगा फलक्रम, और मान लो इस पर एक एफर्ट लगा रहा है, इसको ई से डिनोट कर दिया, एफर्ट हो गया, और यहाँ पर मान लो ये लोड रखा हुआ है, तो इसको कैसे डिनोट कर दिया, एल से डिनोट कर दिया। तो ये होगा एफर्ट लग रहा है, ये फलक्रम है, और ये होगा लोड, ये होगा लोड। ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ फलक्रम, लोड एंड एफर्ट, द लीवर इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। तो लोकेशन ऑफ फलक्रम, लोड एंड एफर्ट के उस बेसिस पे लीवर को तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है, क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री। तो क्लास वन में क्या होता है, फलक्रम मिडिल में होता है, क्लास वन जो टाइप का लीवर होता है, इसमें फलक्रम मिडिल में होता है। द एफर्ट इज़ ऑन अप्लाइड ऑन वन साइड ऑफ द फलक्रम एंड द लोड ऑन द अदर साइड। तो ये याद रखना, मेनली इसमें मिडिल में क्या होता है, फलक्रम होता है क्लास वन टाइप में। इसका एग्जांपल है सीसा, सीसा एक क्राउ बार और ए पेयर ऑफ सीजर, सीजर्स को कैंची, सीसा ये हो गया, ये एग्जाम्पल में दिया है, ये हो गया। ये छोटे बच्चे खेलते हैं ना, ये बैठ जाते इस तरफ उस तरफ, तो जैसे कि ये एफर्ट लग रहा है, ये फलक्रम होगा, ये फलक्रम होगा, इसको इन्होंने डिनोट बता दिया कि ये लोड हो गया, ये होगा एफर्ट, लोड, ये फलक्रम इन्होंने इसे बता दिया, तो ये इसको बोलते हैं सीसा बोलते हैं। और क्रावार क्या होता है, क्रावार एक हैवी आयरन, मतलब आयरन बार होती है, जो कि उसका एक एंड बेंट होता है, तो जो लिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है ऑब्जेक्ट को। तो ये एग्जांपल है क्लास वन टाइप की, जो लीवर है ना उसके एग्जांपल है ये वाले। अब क्लास टू लीवर में क्या होता है, लोड इज़ इन द मिडल, तो इसमें क्या, लोड मिडल में होता है, उसमें फलक्रम मिडल में था क्लास फर्स्ट में, इसमें लोड मिडल में होता है, याद रखना। और द एफर्ट इज़ अप्लाइड ऑन वन साइड ऑफ द लोड एंड द फलक्रम इज़ लोकेटेड ऑन द अदर साइड। तो इसमें मैंने याद रखना, लोड मिडल में होता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल ए बील बेरो, ए नट क्रेकर, ए बोटल ओपनर एसेट्रा। तो बील बेरो क्या होता है, ये अपन देख लेते हैं। तो ये होता है बील बेरो। तो इसमें क्या डेफिनेशन में क्या दिया, लोड क्या होता है, मिडिल में होता है। तो ये होगा लोड मिडिल में, ये एफर्ट लगा रहे हैं यहाँ पे, और ये क्या फलक्रम होगा यहाँ पे। तो ये क्या बील बेरो होगा, और ये होगा क्या होगा, नट, जो ये है ना क्या बोलते हैं, नट क्रेकर, जो सुपाड़ी काटने की जो मशीन जो इस्तेमाल करते हैं ना सुपाड़ी काटने के लिए, ये उस टाइप का ही है। तो फलक्रम ये होगा, ये पॉइंट, ये लोड अपन इस पर लगा रहे हैं और ये अंदर की तरफ दबा रहे हैं, तो एफर्ट यहाँ पे हो गया। और जो नींबू निचोड़ने की मशीन होती है वो भी इसी कैटेगरी में आती है दोस्तों, ये क्लास बी टाइप में। बोटल ओपनर होता है, बोटल उसको, वो भी इसी में आती है। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, आप पढ़ोगे तो और मिलेंगे आपको। तो ये होगा क्लास टू टाइप। अब क्लास थ्री टाइप देखते हैं। एफर्ट, इसमें एफर्ट मिडल में होता है, याद रखना। और लोड ऑन वन साइड ऑफ द एफर्ट एंड फलक्रम इज़ लोकेटेड ऑन द अदर साइड। इसका एग्जांपल है ए पेयर ऑफ टीजर्स। तो इसका एग्जांपल क्या है, ए पेयर ऑफ टीजर्स। ए पेयर ऑफ टीजर्स क्या होता है, ए पेयर ऑफ टीजर में वो चिमटे टाइप नहीं होता, चिमटा, तो उससे स्मॉल थिंग को हटाते हैं अपन, मतलब जिस इस टाइप से होता है ना कुछ, ये मतलब इस टाइप से कुछ होता है, तो वो मतलब उससे स्मॉल ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये पेयर ऑफ टीजर्स। तो ये आप ये दोस्त, ये होगा क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री। अब अपन क्वेश्चन देखेंगे, तो आप उसमें समझ गए, ये मैंने इसलिए समझा दी क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ए लीवर रोटेट्स अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट, जिस फिक्स्ड पॉइंट पर लीवर रोटेट होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फलक्रम। इसका आंसर होगा डी वाला, फलक्रम। तो ये आपको पता होगा अब। तो उसके बाद नेक्स्ट है लीवर आर ऑफ टाइप्स, लीवर से कितने टाइप होते हैं, ये होते हैं थ्री काइंड्स, तो ये भी आप याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
सीजर्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ, अपन ने पढ़ा था अभी तो, लेबल ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, लीवर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। तो इसका आंसर होगा बी वाला, लीवर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। ये सीजर्स इसका एग्जाम्पल है। कैंची, कैंची बोलते हैं हिंदी में। ए नेल कटर, जो नेल कटर होता है वो किस, इसमें से कौन, मतलब वो एग्जाम्पल किसका है? तो लीवर जो नेल कटर होता है वो होता है, नेल कटर एग्जाम्पल होता है लीवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो इसका आंसर फर्स्ट वाला होगा, लीवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर नेल कटर। और जी अपना ये भी सीजर्स भी लीवर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, इसी का एग्जाम्पल था लीवर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, ये भी लीवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो ये हो गया। अब बील बेरो अपन ने अभी पढ़ा था, तो ये किसका होगा? ये होगा लीवर ऑफ द सेकेंड ऑर्डर। तो आपको एग्जाम्पल जो भी दिए ना आप सब पढ़ लेना, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा सेकेंड वाला, लीवर ऑफ द सेकेंड ऑर्डर। और जो थर्ड जो क्लास टाइप का था ना उसमें फिशिंग रोड भी आती है, अपन ने टीजर से देखा था, फिशिंग रोड भी उसी में आती है, और जो मनुष्य के हाथ की कोनी होती है ना वो भी उसी में आती है थर्ड क्लास टाइप में, तो ये भी याद रखना। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लीवर ऑफ थर्ड ऑर्डर, इसमें से अपने को बताना है। तो अपन ने अभी पढ़ा था इसमें से फलक्रम तो मिडिल में नहीं होता, लोड भी नहीं होता, थर्ड ऑर्डर में जो होता मतलब थर्ड क्लास टाइप में, उसमें एफर्ट इज इन द मिडिल ऑफ फलक्रम एंड लोड। तो इसका आंसर होगा सी वाला। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए मशीन, उसका फार्मूला क्या होता है? तो मैकेनिकल एडवांटेज ये होगा, मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन एफर्ट, तो ये इसका फार्मूला होता है, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए मशीन लोड अपॉन एफर्ट। तो ये इसका आंसर क्या होगा? बी वाला, लोड अपॉन एफर्ट। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं न्यूमेरिकल इसी पे। ए लोड ऑफ 200 न्यूटन कैन बी लिफ्टेड बाय फोर्स ऑफ 50 न्यूटन विद द हेल्प ऑफ ए लीवर, फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज। तो ये मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, तो लोड कितना है 200 न्यूटन और फोर्स कितना है जो एफर्ट वो कितना है 50, तो इसको कैंसिल करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, ओनली 4 आएगा, यूनिट तो आएगी नहीं क्योंकि न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर आएगा ए वाला 4, तो ये याद रखना। अब उसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं, फॉर क्लास वन लीवर, तो क्लास वन लीवर के लिए इसमें से बताना है क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वन होता है, ग्रेटर देन वन या लेस देन वन। तो इसमें से ऑल ऑफ दिस, या तो वन भी हो सकता है, वन से कम है वन से ज़्यादा, तो ये याद रखना क्लास वन लीवर के लिए। उसके बाद क्लास टू लीवर देखते हैं, फॉर क्लास टू लीवर जो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, तो मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो वन से ग्रेटर होता है क्लास बी टू लीवर के लिए। तो इसका आंसर होगा बी वाला, एम ए ग्रेटर देन वन। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, फॉर क्लास थ्री लीवर, क्लास थ्री लीवर के लिए क्या होता है, जो एम ए की वैल्यू होती है मैकेनिकल एडवांटेज की, उसकी जो वैल्यू होती है वो लेस देन वन होती है, तो ये याद रखना। तो ये अपन ने तीनों पढ़ लिए, क्लास वन क्लास टू क्लास थ्री, तो इसमें क्या ऑप्शन सी होगा वो आंसर है इसका। तो इसमें अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, अभी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।